हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और साथ ही मैंने इस कुर्ती के साथ जो अफगानी सलवार पहनी हुई है, इस सलवार की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। देखिए, ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि कपड़े की लंबाई है, और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है। और मैंने विड्थ वाइज कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से ये ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो एक फोल्ड मैंने विड्थ वाइज किया है और एक फोल्ड हम और कर लेंगे इसे विड्थ वाइज ही। ये देखिए इस तरह से। अब हमारी कुर्ती का कपड़ा चार फोल्ड में हो गया है। दो ओपन साइड है यहाँ से, ये देखिए दो ओपन साइड हैं, दो फोल्डेड साइड हैं, और यहाँ से ये चारों साइड इसमें फोल्डेड हैं। अब हमें यहाँ सबसे पहले ऊपर से नीचे को हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है पूरे में। और अब हमें इस लाइन से नीचे को अपनी कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में कुर्ती की फुल लेंथ है 46 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान 46 इंच पे लगाएंगे और इसी तरह से पूरे में हमें 46 इंच पे निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से नीचे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेके हम पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। और बचे हुए कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे और इसमें से हम अपनी स्लीव्स और नेक निकालेंगे। अभी मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है। देखिए, तो इसे मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो फोल्डेड साइड से आगे को हमें यहाँ पे अपने शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ़ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच और 13 का मैं हाफ़ करूँगी, यानी कि 13 का आधा करूँगी तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच नीचे डाउन गए हैं, हम इस निशान से नेक विड्थ वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और अब हमें इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे मेरा आर्म होल है 6.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और इस निशान को यहाँ फोल्डेड साइड से भी हमें मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए क्योंकि हमने शोल्डर भी 6.5 इंच ही लिया था। तो इस तरह से निशान लगा के हम इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच और 34 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा दिया है। और अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को एक निशान 14 इंच पर लगाना है कमर के लिए, और एक निशान हम 21 इंच पे लगाएंगे राउंड हिप के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों निशान लगा लेने हैं। और अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 29 इंच और 29 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7.25 इंच पे निशान लगा दिया है। और यहाँ तक ही हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 38 इंच और 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से।
अब जितना निशान हमने यहाँ पे राउंड हिप का लगाया है सेम इतना ही निशान हम अपने कुर्ती के बॉटम पार्ट पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है, सेम इतना ही निशान मैं कुर्ती के बॉटम पार्ट पे भी लगा लूँगी, यानी कि 9.5 इंच पे यहाँ पे भी हमें एक निशान लगा लेना है। और इस निशान को यहाँ ऊपर राउंड हिप वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब पूरे में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस लाइन को भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन लेके। तो यहाँ पे मैंने पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। देखिए अब हम यहाँ पे आमहोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने आमहोल वाली लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन को हमें मेज़र करना है, और ये जितनी भी आ रही है इसे हमें इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट आ रहा है इस मिड पॉइंट पे हमें निशान लगा के इस निशान से अंदर भी और इस निशान के बाहर भी 0.25 इंच का निशान लगाते हुए इसमें फ्रंट और बैक दोनों आमहोल का शेप देना है। तो यहाँ पे मैं पहले इस तरह से एक निशान लगा लूँगी 0.25 इंच बाहर को और 0.25 इंच अंदर को। अब इस निशान से ऊपर हमें एक लाइन खींच लेनी है स्ट्रेट इस तरह से, और अब हमें इस निशान से नीचे को मिलाते हुए फ्रंट और बैक दोनों आमूल का शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट आमूल का शेप हो गया और ये हमारा बैक आमूल का शेप हो गया। तो फ्रंट और बैक दोनों आमूल के शेप मैंने दे दिए हैं, और अब हमारी कुर्ती की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक की कटिंग मैं फ्यूजिंग पेपर पे बाद में करूँगी, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हमें आमहोल में पहले बैक आमहोल का कट करना है, और अब हम इसकी पूरी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब फ्रंट आमहोल को कट करने के लिए पहले हम इसमें से अपने बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसे हमें निकाल के साइड में रख लेना है, और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट आमहोल का शेप है इसे भी हम कट कर लेंगे, ये देखिए। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, जिस तरह से मैंने कुर्ती को कट करने के लिए रखा था। 2 ओपन साइड है यहाँ से, 2 फोल्डेड साइड है, और यहाँ से चारों साइड इसमें फोल्डेड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस निशान से नीचे को अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 17 इंच, तो यहाँ पे हम पूरे में एक निशान लगाएंगे 17 इंच पे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन से नीचे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है डबल फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए, और इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को एक निशान लगाना है 7 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है, देखिए यहाँ पे जो 7 इंच का निशान लगाया है इस निशान से नीचे को हम 3 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ पे जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है इस पॉइंट से यहाँ इस कॉर्नर में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, देखिए ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस वाली लाइन को मेज़र करना है और इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिल गया है। तो इस लाइन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, देखिए। अब हम यहाँ पे बैक आमहोल का शेप दे रहे हैं, तो ये हमारे स्लीव्स का बैक आमहोल का शेप हो गया और ये फ्रंट आमहोल का शेप हो गया, देखिए। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपके मेज़रमेंट में बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में ये 11 आ रहा है, तो हम 11 का आधा करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी, देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से आगे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं पूरे में 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी मार्जिन के लिए, और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसे हमें पूरा कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है और इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है, इसमें हमें अभी फ्रंट आमहोल का शेप कट करना है। तो फ्रंट आमहोल का शेप कट करने के लिए हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। इस
इस तरह से पकड़ते हुए हमें इसे ओपन करना है। और यहाँ पे जो हमने फ्रंट आमूल का शेप दिया है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इस कुर्ती के नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक कट करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर ली है। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी लेंथ यानी कि लंबाई मैंने ली है 9 इंच और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे ये लिया है 7 इंच। और इस तरह से ये ओपन करके रखा हुआ है, देखिए चौड़ाई वाली साइड से, यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से ओपन साइड है। तो यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ मैंने 3 इंच ली थी और तो यहाँ पे हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से। और फ्रंट नेक की डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको रखनी हो। तो यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की डीपनेस ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से इस निशान से नीचे को हमें एक निशान 7 इंच पे लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नेक विड्थ के लिए। और इस निशान को यहाँ ऊपर नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वी शेप दूंगी इस तरह से राउंड में, ये देख सकते हैं आप। और अब इस निशान से आगे को हमें पूरे में 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे भी इसी शेप में लगाते हुए एक निशान लगा लेना है, ये देखिए। और इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक की कटिंग हमारी हो गई है, इसे हम मेन फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको बैक नेक की कटिंग करके बताऊंगी। बैक नेक की कटिंग करने के लिए मैंने जो फ्यूजिंग पेपर लिया है इसकी लेंथ और विड्थ 5.5 इंच है। और विड्थ में मैंने ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, देखिए इस तरह से, ये ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो फोल्डेड साइड से आगे को हम नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और बैक नेक की डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक नेक की डीपनेस रख रही हूँ 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे ऊपर से नीचे को 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमें नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे ही एक निशान लगाना है। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं राउंड शेप दूँगी बैक नेक के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। और इस राउंड शेप से बाहर को हमें पूरे में 2 इंच पे इसमें भी निशान लगाना है और राउंड शेप दे देना है, ये देखिए इस तरह से। और इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट करके उसमें आयरन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों नेक को रख लिया है और इसमें हम आयरन करके इसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ नेक हमें किस तरह से लगाना है। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है। सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने बीच में इसमें कट लगा दिया है इसके मिड पॉइंट में। और ये हमारा जो नेक है इसके भी मिड पॉइंट पे हमें कट लगा देंगे इस तरह से, एक फोल्ड करके। तो यहाँ पे नेक के भी मिड पॉइंट पे हमने यहाँ पे इस तरह से कट लगा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कुर्ती में किस तरह से अटैच करना है। तो ये हमारी कुर्ती का रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से ही हमें नेक को रखना है। तो ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है, देखिए। तो रॉन्ग साइड के ऊपर ही हम इस तरह से अपने इस नेक को रखेंगे। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाते हुए हमें इसे रखना है, देखिए। और इसे हम ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये हमारा जो नेक का कपड़ा है वो इधर उधर हिले ना और इसमें झूल ना आए। तो इसे हम ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे पूरे को। अब हमें यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए पूरे में इस तरह से एक सिलाई रख लेनी है। तो चलिए मैं आपको इसको मशीन में रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक की शेप में ही पूरे में एक सिलाई लगा दी है। अब हम जो बीच वाला कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेके ही इसे कट करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम पूरे में छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। और अब हमें इस नेक को इस तरह से फोल्ड करके राइट साइड को टर्न कर लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है कपड़े की और नेक को हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो रॉन्ग साइड से भी हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे राइट साइड को टर्न कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे हमें बनाना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नेक को राइट साइड को टर्न कर लिया है और यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर के बाद साइड से जो हाफ इंच का कपड़ा है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके पूरे में आयरन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे साइड से जो हाफ इंच का कपड़ा था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसमें पूरे में आयरन कर ली है ये देखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक में हमें लेस किस तरह से लगानी है। तो लेस लगाने के लिए मैंने ये वाली लेस ली हुई है और इसे हमें किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेस को हमें इस तरह से नेक में रखना है ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से पूरे में रखते हुए यहाँ पे ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है ये देखिए इस तरह से। तो चलिए इसमें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे नेक में लेस को लगाते हुए ऊपर से पूरे में सिलाई लगा दी है और फ्रंट वाले पार्ट का जो नेक है वो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको बैक नेक रेडी करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। ये राइट साइड है कपड़े की यानी कि सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हम नेक को रखेंगे। तो नेक के मिड पॉइंट पर मैंने कट लगा दिया है और कुर्ती के भी मिड पॉइंट पर हमने यहाँ पर कट लगा दिया है देखिए। तो ये हमारा बैक पार्ट है और कपड़े की ये सीधी साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हम अपने नेक को इस तरह से रखना है देखिए बिल्कुल मिलाते हुए, और यहाँ पे हमारा जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है वो ऊपर साइड रहेगा। तो इस तरह से हमें इसको बिल्कुल मिलाते हुए रखना है कट से मिलाते हुए, और यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए पूरे में हम सिलाई रख लेंगे। तो इसे मैं आपको मशीन में रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरे नेक में मैंने सिलाई रख दी है। अब बचे हुए कपड़े को हम कट कर लेंगे और पूरा साइड से हाफ इंच लगभग मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है। और अब पूरे में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से रॉन्ग साइड को टर्न हो जाए। तो इसमें हमने पूरे में कट लगा दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक को रॉन्ग साइड को टर्न कर दिया है। अब फ्यूजिंग पेपर के बाद जो हाफ इंच लगभग कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और पूरे में फोल्ड करते हुए इसमें आयरन कर लेंगे। तो चलिए इसमें मैं पूरे में आयरन कर लेती हूँ। तो हाफ इंच लगभग कपड़ा फोल्ड करके मैंने पूरे में आयरन कर दी है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रख लिया है, इसके ऊपर हम अपने बैक वाले पार्ट को रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए देखिए, और दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है। सेम इसी तरह से फिर मैं दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लूँगी। एक शोल्डर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। तो दोनों के शोल्डर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और बैक पार्ट का जो नेक है जो हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर पर पेस्ट किया है इस वाले पार्ट को, ये देखिए दोनों शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे जो बैक पार्ट का नेक है इसे हमें राइट साइड को टर्न कर लेना है, यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर में इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से हमारे शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं और रॉन्ग साइड से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है आप देख सकते हैं। और सेम इसी तरह से मैंने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है और अब हमारा जो बैक पार्ट वाला नेक है इसमें हम पूरे में तुरपन कर लेंगे। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर तुरपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं पूरे में तुरपन कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसके स्लीव रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव लिया है, सेम इसी तरह से फिर हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो एक स्लीव को आपको मैं रेडी करके बता रही हूँ किस तरह से इसमें हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसमें इस तरह की ये एक लेस लगाने वाली हूँ। तो चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से इसे हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव में मैंने नीचे से 2 इंच का मार्जिन लिया है और ऊपर से हमारा हाफ इंच सिलाई में चले जाएगा तो नीचे हमारा 1.5 इंच बचेगा। तो यहाँ पे हमें स्लीव को इस तरह से ओपन करना है और अब हमें 1.5 इंच का जो निशान है वो स्लीव्स के बॉटम पार्ट में लगाना है कपड़े की सीधी साइड से। तो यहाँ पे हम पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे में, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े की सीधी साइड से पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है देखिए, ये राइट साइड है कपड़े की। अब हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करना है, कपड़े की सीधी साइड को ही इसे हमें फोल्ड करना है
और उसके बाद एक फोल्ड करके इसमें आयरन करनी है। उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है जहाँ तक हमने इसमें लाइन ड्रॉ करी है यहाँ तक, और इसमें पूरे में हमें आयरन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसमें मैंने पूरे में आयरन कर ली है, यहाँ लाइन तक मैंने इसे इस तरह से एक फोल्ड कर दिया है। अब लेस को हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रॉन्ग साइड है लेस की, देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो लेस की राइट साइड, कपड़े की राइट साइड, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है, और जो लेस की रॉन्ग साइड है वो ऊपर साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसमें रखना है इसे, और बिल्कुल मिलाते हुए ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है देखिए। और अब जो हमारे ये कपड़ा है इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारी लेस इसमें लग गई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और रॉन्ग साइड से हमारे कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप इसमें तुरपन भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऊपर से टॉप स्टिच रखूँगी और उसके बाद यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव को रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरी स्लीव भी सेम इसी तरह से रेडी कर ली है। अब इसे हम जॉइन कर लेंगे अपने कुर्ते में। तो यहाँ पे हमने अपने कुर्ते को इस तरह से ओपन करके रखा है, और ये हमारी देखिए स्लीव है, और स्लीव का जो डीप वाला पॉइंट है ये हमारा फ्रंट की साइड को आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कुर्ती में फ्रंट वाला पार्ट ये है, तो ये हमारा फ्रंट की साइड ही आना चाहिए देखिए। तो हमें यहाँ पे स्लीव को इस तरह से ओपन करना है, और इस तरह से रखते हुए पूरे में एक सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे साइड से इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए स्लीव को इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है, और यहाँ साइड से पूरे में हमें एक सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे राउंड हिप तक पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा देंगे देखिए। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी राउंड हिप तक सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से नीचे को हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ये देखिए। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे, और इसमें भी हमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमारी कुर्ती का बॉटम पार्ट है, यहाँ पे हमने जो मार्जिन लिया है यहाँ तक इसे हमें कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और इसमें भी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें हमने पूरे में सिलाई लगा दी है, और ये सूट बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।